आपने सुना होगा कि बंदर लंगूर को देखकर भाग जाते हैं, इसलिए जहां बंदरों का आतंक होता है वहां अगर लंगूर को लाया जाए तो बंदर आसपास भी नहीं भटकते। आजकल तो कई सरकारी कार्यालयों और घरों में लंगूर की मूर्ति और तस्वीर लगाई जाती है, इसे देखकर बंदर नहीं आते। हाल ही में यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की तस्वीर का सहारा लिया गया। इससे पहले संसद भवन में बंदरों को भागने, लंगूरों की आवाज निकालने वाले लोगों को तैनात किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बंदर लंगूरों से इतना क्यों डरते हैं? आइए बताते हैं। लंगूर के आते ही बंदर छुमंतर। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ एक पेड़ के नीचे ओपन कैंटीन थी। इस कैंटीन में बंदर बेहद तबाही मचाते थे। कभी वो छात्रों के खाने पीने की चीजें ले भागते तो कभी चश्मा और मोबाइल। छात्रों ने बंदरों से तंग आकर वहाँ खाना पीना बंद कर दिया। इसके बाद कैंटीन संचालक ने एक लंगूर को तैनात किया। लंगूर आराम से पेड़ पर बैठा रहता। उसके आने के बाद बंदर कैंटीन के पास तक नहीं आते। कैंटीन में काम करने वाले मोहन ने बताया था कि लंगूर को 15,000 रुपये महीने में रखा गया है। उन्होंने बताया कि लंगूर की आवाज सुनकर ही बंदर नजदीक नहीं आते। इन दोनों जानवरों की सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। जंगलों में भी बंदरों के गुट लंगूरों से दूर रहते हैं। जानवरों के बारे में जानकारी रखने वाले ने बताया कि लालमुन वाले बंदर लंगूरों को दबंग प्रवृत्ति का मानते हैं और इनसे डरते हैं। बंदर और लंगूर वैसे तो एक ही तरह के प्राणी हैं। दोनों ही पेड़ों पर रहते हैं और उछल कूद करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की आपस में तुलना की जाए तो लंगूर बंदर से ज्यादा फुर्तीला जानवर होता है, इसलिए बंदर इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है लंगूर की बड़ी पूंछ। बंदर प्रजाति में पूंछ का बड़ा महत्व होता है। सच कहा जाए तो यह उनके लिए किसी अतिरिक्त हाथ की तरह होती है। अपनी पूंछ से वह पेड़ों पर लटक भी सकते हैं और कुछ पकड़ भी सकते हैं। बंदरों के लिए पूंछ का एक अलग ही जलवा होता है। अब क्योंकि लंगूर की पूंछ किसी आम बंदर से ज्यादा लंबी और विकसित होती है, साथ ही लंगूर किसी झड़प में उसे किसी हंटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए बंदर लंगूर से डरते हैं और दूर भागते हैं। जानवरों की रक्षा करने वाले एनजीओ वाइल्ड लाइफ SOS के एक कर्मचारी ने बताया कि कुछ लोगों का मानना है कि लंगूरों को पालने से बंदर भाग जाते हैं, लेकिन ये एक मिथक है। लंगूर को रखना गैरकानूनी है। हालांकि कुछ लोग वन विभाग से अनुमति लेकर लंगूर को पाल रहे हैं, राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। लंगूर आजकल बंदरों ने कई जगहों पर आतंक मचा रखा है। इसका फायदा लंगूर पालने वाले उठाते हैं। कई जगहों पर लंगूरों को पैसे देकर रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए भी लंगूरों का इस्तेमाल हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मथुरा दौरे पर थे। जब वो बांके बिहारी मंदिर जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा में लंगूर को तैनात किया गया था, क्योंकि इस जगह बंदरों का काफी आतंक रहता है। बंदर लोगों के हाथ से थैला, चश्मा और प्रसाद जैसी चीजें छीन लेते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था जब VVIP के दर्शन करने आने पर लंगूरों को सुरक्षा में रखा हो। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भी एक दौरे में बंदरों की समस्या से निजात पाने के लिए लंगूर रखे गए थे। लंगूरों को पालना अपराध। आपको बता दें कि लंगूरों को पालना या किराए पर रखना अपराध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंगूर अनुसूची के तहत और IPC की धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 और 62 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। इन धाराओं के अनुसार लंगूरों का स्वामित्व, व्यापार, खरीद, बिक्री या किराए पर नहीं लिया जा सकता है। इस कानून का कोई भी उल्लंघन 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों के लिए उत्तरदायी है।